सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मियाँ। मुझे आज एक्चुअली आइडिया नहीं है कि किस तरीके का रिएक्शन वीडियो ये होगा, क्योंकि द टाइटल से इज़ द फिलोसफी ऑफ माल इन इस्लाम। और माल बहुत सारी चीज़ों को कहा जाता है। पहली बात तो मैं ये बता दूँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का वीडियो है, तो वो भी इस वीडियो के अंदर होंगे, 1000% श्योर सी बात है। पर ना ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि माल किस रिस्पेक्ट में यूज़ किया गया है, क्योंकि माल पैसे को भी कहा जाता है और माल ना आमतौर पर लोग ड्रग्स को भी कहते हैं कि अरे माल लाया क्या या माल लाई क्या है। सेम पीपल टॉकिंग लाइक दिस एंड टू ऑल दोज पीपल हु आर लिसनिंग मी, भाई माल वाल ड्रग्स वाले तो बिल्कुल भी मत लिया करो, और पैसा भी कमाओ तो अच्छे तरीके से ही कमाया करो। ऐसे नहीं कि आप चोरी करके कमा रहे हो, किसी और का लूट करके कमा रहे हो। इट्स अ वेरी बैड वे ऑफ अर्निंग मनी। तो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन, क्योंकि क्यूरोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। माल क्या क्या होगा वीडियो के अंदर। पर उससे पहले, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छा सा प्यारा सा कॉमेडी कंटेंट होता है जो आपको पसंद आएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए चेकआउट करिए वीडियोस वहां पर भी। और मैंने कोरोना के ऊपर एक गाना बनाया था, उसे भी सुन लेना यार। मैं ना बिल्कुल सीधी के साथ एक तो बैठा हुआ था। आई डोंट नो दीज पीपल ऐसे एक्चुअली, तुमको अम्मी जेन्युइनली कहते ना मुझे सारे नहीं पता उनके कौन है ये। मिशन वाले, तो ऐसे अम्मी कितने पैसे चाहिए? मेरे पास डोनर्स हैं। शी सेड के पैसे के कब ऊपर देना ही है? है। मैंने सेड इसी मंथ। शी सेड 17 लाख रुपए चाहिए। 17 लाख रुपए? इतना आसान होता है, आपको पता चल जाए ना कि पर्पज़ क्या है तो आपको पैसे की जरूरत पता चल जाती है। वरना मुझसे कोई पूछे ना कितने पैसे हैं तो मैं 10 करोड़ ही मांगूंगा कि देने आया बंदा तो सब कुछ दे। शी सेड नहीं, 17 लाख है ना सर। उसके बाद शी सेड उससे पहले तू देता रहा है, उसके बाद भी अल्लाह ताला देंगे। मैं जितनी जरूरत है उससे ज्यादा नहीं कभी भी मांगूंगी। 25,000 बच्चों की माँ है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तानी है कोई इस बारे में आर्टिकल नहीं लिखता या टाइम मैगजीन के कवर पे नहीं आती हो, 25,000 बच्चे पाल रही हो। गॉड, ये वो पाकिस्तानी मुसलमान है जो अपना बच्चा कूड़े में फेंक जाते हैं तो वो उठाती है कि कूड़े में कुत्ते खा रहे थे बच्चे कराची में, आपको पता है ये हालात है मुसलमानों के, और वो पाल लेते कि यार खुदा का वास्ता कूड़े में तो ना फेंको बच्चा, इंसान का बच्चा फेंक रहे हो। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल हियर कि जिस बंदे का पर्पस क्लियर होता है वो पैसों के लिए नहीं कर रहा होता, पैसे उसके इस्तेमाल में आ रहे होते हैं, पैसे उसका मकसद नहीं बनता। जब बड़ा मकसद बनाएंगे तो पैसे की वैल्यू पता चलेगी आपको। अगर मकसद ही नहीं है तो खुदा की कसम पैसे से वैल्यूएबल कोई चीज नहीं, फिर पैसा ही बनाए, क्योंकि फिर आपको पता ही नहीं है। जिसको यही नहीं पता इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा है वो लाहौर के पहले हर स्टेशन के ऊपर एंजॉयमेंट के लिए रुक जाएगा। जब उसको पता है लाहौर जा रहा है तो किसी भी जगह पे 5 मिनट से ऊपर कहेगा सर स्ट्रेस हो रही है, मैंने मुझे पता है मैंने कहाँ जाना है। व्हाई आर यू एंजॉयिंग द ब्यूटी ऑन द मोटरवे? मेरा के ऊपर शादी की बातें नहीं कर रहा होगा कि यहाँ पे कोई लड़की देख ले सर। ही इज गोइंग टू एंड अप इन लाहौर बिकॉज ही नोज ही इज गोइंग टू लाहौर। एनी एंड एवरीथिंग विल बी अ डिस्ट्रैक्शन नॉट एन अट्रैक्शन। अगर आपको पर्पज नहीं क्लियर तो आपकी हर चीज अट्रैक्शन है, हर डिस्ट्रैक्शन भी आपकी अट्रैक्शन है। इसलिए हर बच्चा, हर वीडियो, हर मूवी, हर स्पोर्ट्स, रोनाल्डो को भी पता है, टॉम क्रूज को भी पता है, उसको आइंस्टाइन को भी पता है, उसको न्यूटन को भी पता है, उसको इस्लाम को भी पता है, उसने बिरयानी बना ली है क्योंकि उसको यही नहीं पता कि हायाकी में उसने खुद कहाँ जाना है। नो वन इज अ फोटोकॉपी ऑफ द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिलॉसफी, नो वन, एंड एवरीवन इज वेयरिंग अ रोनाल्डो टी-शर्ट। सोचन सही, हर बंदा रोनाल्डो मैसी की कॉपी कर रहा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी एक बंदा भी नहीं कर रहा। इसका मतलब लाहौर हमारा स्टेशन नहीं है, हमारा स्टेशन कहीं और है और उसके रास्ते में बहुत मजे हैं खुदा की कसम। एक ही हदीस है जो कि मैं आपको वहां से एंड करता हूं। मैं जो पहली हदीस नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, जब कायनात नहीं बनी थी तो अल्लाह ताला ने सिर्फ जिब्राइल अमीन को बनाया और उसे कहा कि जाके देख मैंने जन्नत और दोज़ख बनाई है। नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया कि अभी तक कोई भी नहीं बना हुआ, जिब्राइल अमीन और अल्लाह ताला का डायलॉग है। और जन्नत के देखने के बाद जिब्राइल अमीन ने अल्लाह ताला से कहा कि इधर कौन नहीं आना चाहेगा? अल्लाह ताला ने कहा कि इसका रास्ता देखो। जब जिब्राइल अमीन ने रास्ता देखा तो अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह इधर कौन आ सकता है अब? हु इज गोइंग टू कम टू हेवन बिकॉज इसका रास्ता इतना कठिन है। और फिर दोज़ख देखी तो अल्लाह ताला से कहा या अल्लाह इधर कौन आना चाहेगा? ये क्या जगह है कि जहां पर कोई इंसान ऐसा भी इधर आना चाहेगा? अल्लाह ताला ने कहा इसका रास्ता देख। रास्ता देखा तो अल्लाह ताला से जिब्राइल अमीन ने कहा कि या अल्लाह इधर से कौन बच सकता है? ऐसी ऐसी अय्याशी, ऐसी ऐसी डिलूजन, ऐसी ऐसी स्लिपरी मामलात, इतनी ज्यादा मजे इसके रास्ते में, क्यों कोई कैसे कैसे कोई बचेगा इधर से? दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट सेट्स द पर्पस ऑफ एवरी मुस्लिम। हर बच्चे को इस हदीस से परवरिश शुरू करें कि असल में कहानी क्या है, और तब पता चलेगा कि बच्चे को पता चलेगा करोड़ों की बात कर रहे हो, रुक जाओ, इसका इस्तेमाल तो बताओ मुझे। अगर मेरा इसका इस्तेमाल ही कोई नहीं है तो मैं क्या करूंगा इस बोझ को?
हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ इज द लेटेस्ट एंट्रेंट इन साहबा। साहबा पूछेंगे कि अब्दुल रहमान जन्नत में बैठे इतने साल हो गए, तू कहा था पैसे का हिसाब दे रहा था। सोच अब्दुल रहमान बिन औफ अशरा मुबशरा, जिस साहबी ने नबी अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ाई हुई है, दिस इज द साहबी हु हैड द इमामा ऑफ नबी अलैहिस्सलाम, ही इज द मैन हु इज गोइंग टू एंटर मेनी 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 इयर्स आफ्टर साहबीस। और क्या हो रहा है, पैसों का हिसाब चल रहा है, हमने इतना इजी ले लिया। अल्हाकुम अत्तकासुर, गाफिल रखा तुम्हें, हलाक कर दिया तुम्हें ज्यादा माल जमा करने की हवस ने। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा, यानी मरते दम तक माल 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 माल, एंड कोई नहीं है जब तक के कब्र की मट्टी में न जाके मिल जाओ। कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ तुम जल्द ही जान जाओगे। सुम्म कल्ला सौफा तालमून, फिर तुमसे कहते हैं हाँ हाँ अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। कल्ला लौ तालमून इल्म अल यकीन, हाँ तुम यकीनी तौर पर जान जाओगे। यकीन तो उसी वक्त आना जब चीज सामने आ जाएगी। लतरबुन अल जहीम, तुम देख कर रहोगे दोजख की आग को। सुम्म लतरबुन्नहा ऐन अल यकीन, उसके बाद तुम्हें दोजख की जो आग को देख कर अपनी आंखों से यकीन आ जाएगा, लेकिन उसमें फायदा कोई नहीं होना। ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ, उस दिन फिर तुमसे अल्लाह ताला हर उस नेमत के बारे में पूछेगा जो उसने दुनिया में तुम्हें वो नेमत दी थी। 50,000 साल के दिन की एग्जांपल आपको बता दूं कि हजरत आदम का जब बेटा काबिल, ठीक है, इन दोनों बेटों का जब कत्ल चल रहा था ना, वो और आज मैं यहां पे बात कर रहा हूं वीडियो पे, अभी फजर की अजान नहीं हुई हशर के दिन में, काबिल ने कत्ल कर दिया और आज हम सेशन कर रहे हैं। इतना टाइम हुआ है, इतना टाइम हो गया कि सारे नबी आ चुके हैं, सारी सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, हम इस वक्त 2021 में सेशन कर रहे हैं, मगर हशर में अभी फजर की अजान भी नहीं हुई। 50,000 साल इतने बड़े होते हैं और हमने इतना इजी ले लिया है कि हाँ वहां पर देख लेंगे, तो वहां पर तो कुत्ते को पानी पिला के भी तवायफ जन्नत में पहुंच गई थी, मैं वहां पर देख लूंगा। 50,000 साल का मतलब सोचें कि अगर हम उस टाइम लाइन में अगर हजरत आदम भी जिंदा होते, काबिल भी जिंदा होता, हाबील भी जिंदा होता, यहाँ पे हम सब हशर के मैदान में खड़े होते और वही टाइम लाइन चलती, तो अभी फजर की अजान नहीं हुई, अभी तो जोहर की आनी है, फिर असर मगरिब फिर इशा फिर कहीं जाके रात होगी। 50,000 साल के, क्योंकि ये 8-9,000 साल पहले का वाकया हाबील काबिल का जो कि लिखा हुआ है, इसे भी ज्यादा का लगता है क्योंकि सुमेरियन तो 16,000 साल पहले भी थे। जितना भी था, सोचें हमने क्या सोच लिया कि V8s के ऊपर जन्नत का सफर करूंगा, पुल सलात के ऊपर, कहीं पे भी कोई वैल्यूएबल चीज है। एवरी सेन मैन एंड एवरी वाइज मैन ने कहा था कि मुझे मेरे जो कफन है ना उसने मेरे हाथ बाहर रखी। 11 एग्जाम्पल मुझे पता है कि मेरे बच्चों को पता चल रहा है कि एंड में कुछ नहीं होता, ये रफा दैन जो करते हैं हम, हर मुसलमान बच्चों को बताया जाता है ना अरब में, हमें यहाँ पे नहीं बताया जाता, मुझे नहीं पता, मेरी बचपन की ट्रेनिंग थी कि रफा दैन करना है ना तो ये अल्लाह को बताना है कि मैं खाली हूँ, मैं खाली हूँ तेरे सामने। अल्लाह ऐसे खड़े होते हैं ना, नाक से नाक लगी हुई है और अल्लाह हमें ऐसे हाथ करते हैं हम कि ये अल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये है रफा दैन का मतलब। सो दिस इज अ बिलियनेयर क्या कहेगा, बैंक अकाउंट में करोड़ों रखे हैं, अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, किस मुंह से हम बातें करते हैं। सो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी, एंड कोई बड़ा लफ्ज नहीं है फिलोसफी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्यों आए हुए दुनिया में, बस ये फिलॉसफी है। किताबें नहीं पढ़नी विल ड्यूरेंट की, आप यू नो साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की, सिंपल कि ये जन्नत इसलिए बनी थी, बड़ी महंगी है यार, ध्यान रखिए, अल्लाह ताला ने कहा था जन्नत सस्ती नहीं है, पहुंचना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुसलमान है तो तकलीफ आएगी, नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा तकलीफ आ सकती है, नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा गरीब हो सकते हो, नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा मुसीबतें आ सकती हैं, नहीं जी नहीं आ सकती, तो फिर रोना किस बात का है, कैसा क्या होगा जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ नहीं हुआ हुआ, आपको ये मुसलमान लिख के बताए मुझे था कि मेरे साथ वो कुछ हुआ है जो तकलीफ नबी अलैहिस्सलाम पे भी नहीं आ सकती, मैं बताता हूँ उसको फिर कि उसने कौन सा नबी पढ़ा है। सो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ वेयर एवर और व्हेन एवर वी वर बोर्न, लुक बैक इन द हिस्ट्री यू विल फाइंड हमें साहबा की जरूरत नहीं थी, गोरे भी मिनिमलिस्टिक ही थे, गोरे भी इक्तफा पे ही थे, साइंस यही कहती है कि जो जरूरत है वही रखो, जो नहीं जरूरत खुदा का वास्ता उसका सवाल हो जाएगा। और अब्दुल रहमान बिन औफ नहीं बच रहे सवालों से, आप और मैं बचेंगे इधर सवालों से।
सो आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर के रिस्क नाउज़ बिल्ला उसके खिलाफ कोई नहीं मुसलमान हो सकता, मगर रिस्क खुद बनाऊंगा इसके खिलाफ हर मुसलमान को होना जरूरी है। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर बारकल्लाह फीक, वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट्स माशाल्लाह। गॉड, दिस वीडियो वाज अनदर लेवल। सो द कॉन्सेप्ट इज कि हम लोग पैसे कमाए जा रहे हैं, खर्च किए जा रहे हैं, यू नो भूख खत्म होती नहीं है। आज 1 लाख आएगा भूख बढ़ जाएगी कि 10 लाख आए अगले महीने, 10 लाख आएगा भूख बढ़ जाएगी कि 1 करोड़ आएंगे, पर उसका यूज़ पता है आपको कि क्या होगा? इन्होंने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया था उन लेडी का जो 25,000 बच्चों को पाल रही है। उनको पता है, उन्हें पता है वो कैसे यूज़ करना है, उन्हें पेट भरना है उन बच्चों का, उनको एजुकेशन देनी है, इस काबिल बनाना है कि कुछ कर पाएँ अपनी ज़िंदगी में, अपना गुजारा कर पाएँ, इस दुनिया में रहने के काबिल हो पाएँ। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन द प्लानट डोंट नो वॉट दे वॉन्ट टू डू विद देयर मनी, बट दे जस्ट वॉन्ट टू अर्न इट। और खुद के ऊपर हर चीज़ का खर्चा करना, किसी और के बारे में कभी भी कुछ भी ना सोचना, यार हर चीज़ का हिसाब होना चाहिए, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपको क्यों चाहिए, और जितना चाहिए उतना ही मिलना चाहिए, उससे ज्यादा आपको मिलता है तो इट्स लाइक टू मच। लाइक मेरे को अब एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इतना डिटेल्ड वीडियो था। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो। मोहम्मद अली मिर्जा साहब के और वीडियोज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। यू कैन यू शुड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन माई अनदर यूट्यूब चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय।